الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गाने मोहतरम, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजकर दो तरह की कुव्वतें और दो तरह की सलाहियतें उसके अंदर वदियात फरमाई है। यानी दो सलाहियतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दी है, एक नेकी के करने की कुव्वत और गुनाहों से बचने की कुव्वत और ताकत। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कि हमने इंसान के अंदर गुनाह के करने की कुव्वत भी रखी है और गुनाहों से बचने की भी कुव्वत रखी है, नेकियों के करने की भी कुव्वत रखी है और नेकियों से बचने की भी कुव्वत और ताकत रख दी है। अब इंसान का काम है कि नेकी करके जन्नत का मुस्तहिक बन जावे और गुनाह करके जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए। इसीलिए गुनाहों से बचना ये भी फर्ज़े आयन है। हम नमाज के पढ़ लेने को तो फर्ज़े आयन समझते हैं, रोज़ा रख लेने को फर्ज़े आयन समझते हैं, लेकिन गुनाह से बचने को फर्ज़े आयन नहीं समझते। हालांकि गुनाह से बचना ये भी फर्ज़े आयन है, और अगर इंसान से गुनाह हो जावे तो उस गुनाह पर तौबा का करना ये भी वाजिब और ज़रूरी है। इसीलिए अल्लामा नववी अली रहमा ने लिखा है कि قال العلماء التوبة واجبة عن كل ذنب، कि उलमाए मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि इंसान से जब गुनाह सादिर हो जावे तो गुनाह के हो जाने के बाद उस गुनाह से तौबा का करना ये भी वाजिब और ज़रूरी है।
और अगर इसी गुनाह की हालत के अंदर इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसे उन गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ताजदार मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया के नुज़ूल का और अंबिया के मबऊस होने का एक सिलसिला जारी फरमाया कि आदम के बाद मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे, कभी नूह तो कभी इब्राहिम तो कभी मूसा, न जाने कितने अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी। तो उलमा ने लिखा है कि मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ कौमों की तरफ भेजने का एक मकसद था, वो अल्लाह का मकसद ये था ताकि लोगों को बतलावे कि तुम्हारा रब ये किन किन चीज़ों के करने से खुश होता है और किन किन आमाल के करने से तुम्हारा रब नाराज होता है, ये उम्मत को मालूम चल जावे, उम्मत को पता लग जावे कि अल्लाह ताला किन आमाल की बुनियाद पर राजी होते हैं और किन आमाल की बुनियाद के पर अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ये लोगों को पता चल जावे, इसलिए अंबिया का ये सिलसिला अल्लाह ताला ने जारी फरमाया। दुनिया का मामूली आदमी होता है तो उसकी रजामंदी की और उसकी ख्वाहिश की और उसके दिल को चाहने वाली चीज़ क्या है ये हम जान नहीं सकते जब तक कि वो सामने वाला आदमी न बतलावे कि मैं फुला फुला चीज़ को पसंद करता हूँ। तो पूरी कायनात का पैदा करने वाले अल्लाह और उसकी रजामंदी की क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके बताए बगैर तो हम जान नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने बतलाया अंबिया को भेजकर कि मुख्तलिफ अंबिया को भेजा और उनको भेजकर दुनिया वालों को बतलाया कि चंद उमूर और चंद आमाल ऐसे हैं कि उनके करने से अल्लाह राजी होते हैं और चंद काम ऐसे हैं कि उनके करने से अल्लाह नाराज होते हैं। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अक़वाम माज़िया मुअज़्ज़बा के किस्सों को नकल फरमाया, उन कौमों के किस्सों को अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, गुनाह के काम किए, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर तुले रहे तो अल्लाह ताला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। जैसे कौम आद ऐसी कौम थी कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, अल्लाह फरमाता है कि ऐसी कौम रुए जमीन पर कभी पैदा ही नहीं की गई, ऐसी जबरदस्त कुव्वत और ताकत वाली अल्लाह ताला ने कौम बनाई कि अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि ऐसी कौम तो हमने कभी पैदा नहीं की, जमीन के अंदर ऐसी कौम हमने पैदा की, ऐसी जबरदस्त डील डोल और कद्दोकामत वाली वो कौम थी। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी शुरू की तो उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के जाओ उनको समझाओ। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनको समझाते कि अल्लाह की नाफरमानी से बचो, बुत परस्ती से बचो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, तुम गुनाहों से बचो, एक नबी की बात को मान लो, एक अल्लाह को मान लो, तो नारा बुलंद करते थे कि मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, मन अशद्द मिन्ना कुव्वा। हजरत हूद को कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमारी कुव्वत तुमने देखी है, हम तो बड़ी कुव्वत और ताकत के मालिक हैं, हम अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं, उसके अजाब से भी नहीं डरेंगे। तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा जानो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, हाँ अल्लाह की इताअत कर लो। लेकिन उन्होंने नारा बुलंद करते रहे कि मन अशद्द मिन्ना कुव्वा। कुरान ने नकल फरमाया कि वो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के सामने कहते थे कि मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकत वाला जोर वाला कोई नहीं, अल्लाह के अजाब से हम नहीं डर सकते। तो फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि देखो अगर अल्लाह के अजाब से तुम नहीं डरे तो सख्त हवा आएगी और तुम्हारे इन बड़े बड़े इमारतों को और तुम्हारे जानवरों को, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बूढ़ों को, सबको अल्लाह की हवा ऐसी सख्त आएगी कि तितर बितर कर दे, तहस नहस कर दे। लेकिन वो लोग तो बस अपनी अनानियत पर उतरे हुए थे। तो फिर उनके ऊपर ऐसी सख्त हवा आई कि अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद कर दिया, उनको तहस नहस कर दिया। कुरान करीम के अंदर सूरह हक्का में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया वअम्मा आद फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, कि सख्त हवा के जरिए से अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। सख़रा अलैहिम सब्अ लयाल, अल्लाह फरमाते हैं कि वो हवा ऐसी सख्त थी कि 7 दिन तक उनके ऊपर मुसल्लत रही, सब्अ लयाल बल्कि 7 रातों तक मुसलसल वो हवा उनके ऊपर मुसल्लत रही, सब्अ लयाल वो समानियत अय्याम, और 8 दिनों तक मुसलसल वो तूफान ऐसा रहा कि उनकी इमारतों को अल्लाह ने खंडरात में तब्दील कर दिया, अल्लाह ने ऐसा हलाक कर दिया। फिर उनके अकले ठिकाने आए, अल्लाह की नाफरमानी करने पर
ایسی قوم کہ اللہ کہتا ہے کہ اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد, اللہ جب کہتا ہے کہ ایسی قوم روئے زمین پر پیدا ہی نہیں کی گئی, ان کی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیسی قوت والی قوم تھی, کیسی طاقت والی قوم تھی. ان کو اپنی قوت پر غرور تھا, اللہ کی نافرمانی پر غرور تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا تو کچھ اخاڑ نہیں پھینکے گا, لیکن اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو بھیجا, ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا, ان کو اپنے ہنر پر ناز تھا. قرآن فرماتا ہے کہ الذین جابوا الصخر بالواد, ان کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا کہ بڑی پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ محلات بنایا کرتے تھے. جب ان کو کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا, میری بات مان لو, گناہوں سے بچو, تو کہا کہ نہیں, اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم ہمارے گھروں کے اندر چھپ جائیں گے. وہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, سخت آواز آئی, سخت چنگاڑ آئی, ایسی آواز کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے, ان کے کلیجے پھٹ گئے. حالانکہ کسی قوم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پہاڑوں کے اندر مکانات بنا لیا کرتے تھے, لیکن اللہ کی نافرمانی پر ہے تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد دوسری قوم نو اللہ کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو باہر نکال دیا, اتنا پانی زمین پر بہا کہ پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا, پہاڑ کی چوٹی تک پانی. اللہ نے ان کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. ایسی زبردست قومیں آئی. پھر قوم لوٹ اللہ کی نافرمانی پر اتری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک, کیسا ہلاک کیا, پوری کے پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر لے گیا اور وہاں جا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا, اور پھر پتھر کی بارش برسائی. یہ گناہوں کا نتیجہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد قوم شعیب آئی, ہاں ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب نے کہا کہ ایسا مت کرو, اللہ کا عذاب آئے گا, لیکن اپنی قوت کا نعرہ بجانے لگے کہ اللہ کے عذاب سے تو بچ جائے. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی گرمی ان پر مسلط کر دی کہ 7 دن تک مسلسل ان پر ایسی گرمی رہی کہ ان کے کنوؤں کا پانی خشک ہو گیا, تالاب کا پانی خشک ہو گیا, حوضوں کا پانی خشک ہو گیا, سب کے سب پانی خشک ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. تو اچانک سے ایک بدلی آئی پانی کی, تو پوری کے پوری قوم خوشی کے اندر آ گئی. پانی نہ ہو اور پانی کا انتظام ہو جائے تو خوشی تو ہونے والی ہے. پوری کے پوری قوم خوشی کے اندر مست ہو گئی کہ اب تو پانی آ گیا. تو حضرت شعیب نے کہا پانی نہیں, اللہ کا عذاب, کہ نہیں دیکھتے نہیں کہ پانی کی بدلی ہے, لیکن ہاں پانی کی بدلی ہے دیکھو. تو پانی کی بدلی آئی تو پوری کے پوری قوم اس بدلی کے نیچے جمع ہو گئی کہ پانی نہیں ہے تو چلو جلدی سے پانی بھر لیں گے. لیکن روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پانی نہیں, اس بدلی سے اللہ نے آگ کی بارش برسائی, پوری کے پوری قوم کو خاکستر کر دیا گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے. اسی لیے تفسیر روح المعانی میں علامہ ضحاک علی رحمٰن نے قول نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو دنیا کے اندر جتنے بھی درخت تھے وہ سارے کے سارے درخت پھلدار تھے, کہیں پر بھی کانٹا نہیں تھا, کسی بھی درخت پر کانٹا تھا ہی نہیں, کسی بھی درخت پر نہیں. اور جتنی بھی جگہ پر دنیا کے اندر پانی تھا وہ تو سارا کے سارا پانی میٹھا ہی میٹھا تھا, کڑوے پانی کا نام و نشانی نہیں تھا. تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ وہ ماؤ البحر آذر, کہ سمندر کا پانی تو میٹھا پانی تھا تو پھر کیسے کڑوا ہو گیا, پھر یہ کانٹے دار درخت کہاں سے آ گئے, سمندر کا پانی کڑوا کہاں سے ہو گیا. تو تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس گناہ کی نحوست ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درختوں کو کانٹے دار درخت بنا دیا, اور سمندر کا پانی جو میٹھا تھا اس کو بھی کڑوا کر دیا. یہ گناہوں کی نحوست کہ میٹھا پانی بھی کڑوا پانی ہو جاتا ہے, پھلدار درخت بھی کانٹے دار درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یہ گناہوں کی نحوست. اسی لیے آپ نے, میں نے ایسے ایسی جگہ کو دیکھا ہے کہ جہاں رہنے والا باپ بھی نے, ماں بھی نے, بیٹے بھی نے, سب ایسے دیندار کہ ان کے خواب میں اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں. پوری کے پوری بستی میں ہر ایک جگہ کھارا پانی, کڑوا پانی آتا ہے, لیکن ان کے گھر کے اندر جب پانی کے لیے جب انتظام کیا جائے تو میٹھا پانی نکلتا ہے. یہ نیکیوں کا اثر اور گناہوں کی نحوست. اس لیے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں, کہیں حالات آتے ہیں تو درجات کی بلندی کے لیے بھی آتے ہیں, لیکن یہ ظہر الفساد فی البر والبحر, اللہ فرماتا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ خشکی میں اور تری کے اندر یعنی سمندر میں اور زمین پر یہ فساد جو پھیلا ہے وہ انسان کی گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پھیلا ہے, ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ فساد برپا ہو گیا ہے.
अपने गुनाहों की नहुसत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह ऐसी चीज है कि उसकी वजह से दिल ये जंग आलूद हो जाते हैं। कल्ला बलगान के नबी जी उनसे कह दीजिए कि उनके दिलों पर जंग लग गया है गुनाहों की वजह से। तो गुनाह इतनी नहुसत वाली चीज, लेकिन जुरअतमंदी की बात यह है कि गुनाह हो जाने के बाद भी इंसान तोबा ना करे तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का दुश्मन है। गुनाह हो जाने के बाद, देखो गुनाह हो जाता है इंसान से, उसे इनकार नहीं, लेकिन गुनाह हो जाने के बाद उस गुनाह पर तुले रहना, अड़े रहना, तोबा का न करना, ये सबसे बड़ी इंसान की जिंदगी की चीज़ है, सबसे बड़ी। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं। खता यानी गलती, गुनाह। खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं, खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं, खता पर जो खता करे उसे हैवान कहते हैं, और खता करके जो इतराए उसे शैतान कहते हैं। इसीलिए तो शैतान इबलीस ने, अल्लाह ताला ने कहा कि आदम के सामने सज्दा कीजिए, तो सज्दा करने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो उससे बड़ा हूँ, वो तो मिट्टी से पैदा हुआ, मैं तो आग से पैदा हुआ, और आग की सिफत है ताली बढ़ना, तो मैं सज्दा नहीं कर सकता। तो उसने गुनाह करके भी इतराया तो अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। तो गुनाह हो जाना ये इंसान से हो जाता है। इसीलिए अबू दाऊद मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये उम्मत पूरी के पूरी गुनाह करना छोड़ दे तो अल्लाह इस उम्मत को हलाक कर दे। अगर ये उम्मत गुनाह करना छोड़ दे तो अल्लाह ताला इस पूरी के पूरी उम्मत को हलाक कर दे, और ऐसी कौम को अल्लाह पैदा करेगा जो गुनाह करेगी और गुनाह के बाद तौबा करेगी। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह पर आमादा हो जाए, बल्कि अल्लाह ये कहना चाहता है, अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते हैं कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मायूस होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमारे दर पर आ जाओ, हम माफ कर देंगे। लेकिन जिंदगी की बात यह कि गुनाह के बाद उस गुनाह पर अड़े रहना, तुले रहना, तोबा का न करना, ये सबसे बड़ी भयानक चीज है। इसीलिए और खासकर तन्हाई के गुनाह, तन्हाई के गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को जिल्लत तक पहुंचा देते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया अली रहमा फरमाते हैं कि आम तौर पर लोग जब जलवत में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, रिश्तेदारों के साथ होते हैं, रुफका के साथ होते हैं, तो किसी गुनाह के काम को देखते तो माज़ अल्लाह ये गुनाह थोड़ा किया जाता है, लेकिन जब तन्हाई में होते हैं तो सब भूल जाते हैं, अपनी कैफियत भी भूल जाते कि मैं इंसानों के जानवर, ऐसे ऐसे गुनाहगर गुजरते। और तन्हाई में किए हुए गुनाह यही लोगों के सामने उसके भांडे को फोड़ देता है। जब पाप का घड़ा ऊपर चढ़ता है तो फिर फूटता है एक दिन, ये तन्हाई के गुनाह। जब तन्हाई के गुनाह ऐसे हैं कि इंसान को जिल्लती के हद तक पहुँचा देते हैं। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं कब्रिस्तान गया, चांदनी रात के अंदर कब्रिस्तान में गए, और चांदनी रात के अंदर कब्रिस्तान में गया तो अचानक से कब्र के अंदर से देखा कि कब्र में से एक आदमी अचानक से निकला, कब्र फट गई और कब्र से आदमी निकला, उसकी गर्दन में भी जंजीर बंधी हुई, और वो ऐसा निकला कि गोया कि उसके सामने उसका दुश्मन पीछे से भाग रहा और आगे भाग रहा, भागने लगा भागने लगा, जितना भागता था वैसे वैसे उसकी जंजीर भी उसके साथ जाती थी, कब्र से इतनी जंजीरें निकलती थी, साकड़ जंजीर यानी साकड़ उसकी गर्दन के अंदर बंधी हुई। फिर अंदर से एक और आदमी निकला और उसने उसकी जंजीर को खींचा, इतना खींचा कि फिर उसको कब्र में दबोच दिया, कब्र में फेंक दिया कि इधर आ जा। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि कौन आदमी होगा। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि मैं उसकी कब्र के पास गया और सुन रहा था तो अंदर से आवाज़ आई कि मुर्दा कह रहा है कि अलम अकुन मुसल्ली, अलम अकुन अग्तसिल, अलम अकुन असूम, क्या मैं रोज़ा नहीं रख रहा था, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा था, क्या मैं गुस्ले जनाबत नहीं कर रहा था, मैं तो सदका भी करता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा अज़ाब क्यों? तो फरिश्ता अंदर कह रहा है कि हाँ तू कहता है, ठीक कहता है, नमाजें भी बहुत पढ़ी, ज़कात भी बहुत दी, सब कुछ किया, लेकिन जब खलवत मिलती थी, तन्हाई मिलती थी तो गुनाह करने से तू डरता नहीं था, उस वक्त अल्लाह को तू भूल जाता था, उसका नतीजा ये हुआ कि आज तुझे कब्र में अजाब हो रहा है। इसीलिए सूफिया लिखते हैं कि गुनाह हो जाए तो फौरन नेकी कर लेनी चाहिए। एक गुनाह की नहुसत होती है कि उस गुनाह के करने के बाद दूसरा गुनाह करने का दाइया पैदा होता है। अल हसनतु बाद अल हसना सवाबुल हसना, नेकी करने के बाद नेकी का हो जाना ये पहले नेकी की बरकत है।
और المعصيه بعد المعصيه عقاب المعصيه, कि गुनाह हो जाने के बाद दूसरा गुनाह करना ये पहले गुनाह की सजा है। इसलिए अजीजो तन्हाई के गुनाह से खूब बचे। आज तो तन्हाई के अंदर ये फॉर्म इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से नियामत भी है लेकिन जहमत भी है। जो गुनाह पहले आम तौर पर खलवत में नहीं होते थे आज वो गुनाह खलवत में हो गए। इसलिए हमारे सूफियां फरमाते हैं कि खलवत में ज्यादा मत रहो क्योंकि खलवत के अंदर जब फोन आ जाएगा तो नीम ओरिया औरतें और ऐसे ऐसे गंदे फिल्में तुम देखना शुरू कर जाओगे, तुम्हारे ईमान का भी सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम दुनिया से जाओगे तो ईमान के सल्ब होने का भी खतरा हो जाएगा। इसलिए अजीजों गुनाह को मामूली न समझे। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि या आयशा इयाकि व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, कि गुनाह को मामूली मत समझना, मामूली गुनाह समझकर गुनाह मत कर लेना। फ़इन्ना लहू मिनल्लाहि तालिबा, कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से उस पर भी पकड़ होगी। इसलिए अल्लामा इब्राहिम तैमी का मामूल था कि हर जुमा को वो कब्रिस्तान जाया करते थे। एक दिन जब रात को कब्रिस्तान गए तो उनका मामूल था कि वहां सो जाते थे, तो एक दिन रात को सो गए, रात को वहां जाकर अचानक ख्वाब में देखते कब्र फटती है, एक आदमी निकलता है और फरिश्ता कहता है कि उसके मुंह के अंदर जंजीर डालो और उसके पाखाने के रास्ते से जंजीर निकालो, यहां से डालो और पीछे से निकालो। इब्राहिम तैमी फरमाते हैं कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये तो बड़ा नेक आदमी था, फिर क्या हुआ? तो वो भी वहां ये कह रहा था कि मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं तो रोजे रखता था। तो फरिश्ते ने कहा कि तू सब कुछ करता था लेकिन तन्हाई मिलती थी तो अपने रब को भूल जाता था। असल कमाल ये है कि हमारी कैफियत जाहिर और बातिन दोनों एक हो जाए, तन्हाई में भी अल्लाह तो जाहिर में भी अल्लाह, बातिन में भी अल्लाह तो जाहिर में भी अल्लाह, जब दोस्तों के साथ हो तब भी अल्लाह और घर में अकेले फिर भी अल्लाह, तो असल कमाल है, तो असल ईमान, तो अल्लाह की तरफ से आपको सवाब मिलेगा, तो आप जन्नत के मुस्तहिक बनो, वरना तो जहन्नम में धकेल दिए जाओगे। ये सब मेरी भी कमी है, आपकी भी कमी, इंसान है, गुनाह हो जाते हैं लेकिन गुनाह हो जाने के बाद अड़े रहना ये सबसे बड़ी इंसान की कबाहत। हाँ, इसीलिए अल्लामा नबवी अली रहमा ने लिखा है कि हमेशा तौबा का अहतमाम करें, तौबा खूब किया करें। इसीलिए रोजाना रात को ये मामूल होना चाहिए कि बारी ताला दो रकात सलातु तौबा पढ़े और उसके बाद गुनाह करे, उसके बाद उन गुनाहों से तौबा मांगे और अल्लाह ताला के सामने रुजू करे कि अल्लाह आज के दिन में जितने गुनाह हो गए तू माफ कर दे। अगर इसी हालत में मर गया तो ईमान के साथ इंसान जाएगा क्योंकि तौबा के साथ जा रहा है। इसलिए अजीजों इंसान है, गुनाह हो जाते हैं उसे इनकार नहीं, बतकादे बशरियत हैवानियत बहीमियत शैतानियत इंसान से गुनाह हो जाते हैं लेकिन गुनाह हो जाने के बाद तौबा का न करना ये इंसान होने की नहीं, ये जानवर होने की अलामत और शैतान होने की अलामत। और फिर गुनाह हो जाने के बाद इतराना ये सबसे बड़ा शैतान, कि फुला की लड़की के साथ ऐसा किया, फुला को धोखा दिया और मजाक के साथ कह रहे और दिल को फुलाकर जुबान खोलकर मुंह खोलकर बोल रहे, कमाल समझते गुनाह किया है मैंने। अरे तूने गुनाह किया है, शर्म आनी चाहिए, तुझे रोना चाहिए, अल्लाह के सामने रुजू इख्तियार करना चाहिए। मेरे दोस्तों गुनाहों से जितना हम बचेंगे, जितना अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे इतने ही अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे और मौत भी हमारी आसानी के साथ होगी और कल कयामत के दिन हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे। तो इसलिए इस बात का अहतमाम करें कि गुनाह हो जाए तो फौरन सदका भी दे और रुजू भी करे और सलात तौबा का अहतमाम करे। खैर अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तौबा का भी खास तौर पर अहतमाम करे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।